साथियों, आखिरी में आने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, और एक ऐसी सभा में जो एक स्थानीय सवाल के ऊपर हो रही है, जहां लड़ाकू और जांबाज औरतों और पुरुषों ने, जिन्होंने तमाम मुसीबतों का और चालाकियों का सामना करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, उनसे इस सवाल के बारे में अगर मैं कोई चर्चा करूं तो मेरी बेवकूफी होगी। साथियों, जो बातें आई हैं वो बहुत साफ हैं। एक वजह नहीं है, अगर मैं गिनती करूं तो एक दर्जन से ज्यादा वजह हैं जिसकी वजह से ये ठेका यहां से हटना चाहिए। और अगर एक लंबी लड़ाई चल रही है, अपने घर का चौका चूल्हा धंधा नौकरी छोड़ करके अगर किसी मोहल्ले के लोग लड़ाई में आते हैं तो वो किसी शौक से नहीं आते हैं। जब बहुत दर्द होता है, जब बहुत मजबूरी होती है, तभी सड़क पे आते हैं। और ये लड़ाई इतनी मजबूती से चली है कि एक बहुत बड़ा ड्रामा दिल्ली की सरकार को, उसके नुमाइंदों को, उसके अफसरों को करना पड़ा कि ठेका तो हमने बंद कर दिया पर ठेका फिर भी कायम है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि एक लंबे अभियान के बाद लोग थक जाते हैं, जरूर वो लोग थक जाते हैं जो रोटी पे मलाई ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग नहीं थकते जो जिंदगी की तलाश कर रहे होते हैं, जिनकी जिंदगी खतरे में हो, जिनकी इज्जत खतरे में हो, आप कितना भी धोखा देंगे वो थकेंगे नहीं। आपकी ये चालाकी आप पर बहुत भारी पड़ेगी। साथियों, प्रस्ताव यहां हो चुका, सिर्फ दो बातें। इतिहास का मैं विद्यार्थी भी हूं, इतिहास का शिक्षक भी हूं, सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। शराब के खिलाफ, शराब मतलब नशा, केवल शराब नहीं, तरह तरह के नशे के खिलाफ लड़ाई बहुत समय से चल रही है, सारे देश में चल रही है और सारी दुनिया में भी चल रही है। दो तरह की लड़ाइयां चली, एक लड़ाई चली जिसमें कुछ लोगों ने यह प्रचार किया कि शराब पीना बहुत बुरा है, आदमी को शराब नहीं पीना चाहिए। ऐसे प्रचार, ऐसी लड़ाइयां, इनका कोई खास असर नहीं पड़ा। दूसरी लड़ाई हिंदुस्तान में और दुनिया में औरतों ने लड़ी है शराब के खिलाफ, और जब जब औरतों ने ये लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई जीती है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो इसी देश में तमिलनाडु का मामला हो, आंध्र प्रदेश का मामला हो, और अब चाहे दिल्ली का मामला हो, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि औरतें अगर सड़क पे हो शराब के खिलाफ
तो वो लड़ाई जीती ना जा सके। ये लड़ाई जरूर जीती जाएगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। एक दूसरी बात, ये भी इतिहास से, शराब से सब कहते हैं बहुत पैसा आता है। सरकारें यहां तक कहती हैं कि शराब के पैसे से ही वे चलती हैं। कल को वो आपको कहेंगी कि ये शराब की दुकान बंद हो जाएगी तो आपका स्कूल भी बंद हो जाएगा, आपकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस लगा रखी है उसकी तनख्वाह भी बंद हो जाएगी। कल को ये भी आपसे आके कहा जाएगा, दोस्तों सरकार के पास तो नहीं पर सरकारी लोगों के पास जितना पैसा शराब के रिवेन्यू से आता है उससे ज्यादा पैसा बिना रिवेन्यू के आता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना पैसा आता है। लेकिन हमको ये बतलाने की कोशिश की जा रही है पिछले कुछ महीनों से कि हिंदुस्तान में बस एक ही राज्य है, पंजाब, जहां नशे से लोग परेशान हैं। बाकी जगह तो लोग नशे को प्रसाद समझते हैं, जब वो नशा करते हैं तो वो स्वस्थ हो जाते हैं और वो उड़ता पंजाब, असल में उड़ता पंजाब हो जाते हैं, उड़ता दिल्ली हो जाते हैं, शराब से ही सारी गाड़ी चलती है। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है, पंजाब के लोगों को जाके कहा जा रहा है एक महीने में नशे की समस्या पे हम काबू पर लें। अगर एक महीने में आप नशे की समस्या पे काबू कर लेंगे इसका मतलब आपके पास कोई योजना है, आपके पास कोई तरकीब है। क्या वो तरकीब ये है कि हर दिन एक शराब का लाइसेंस आप दोगे, हर दिन एक शराब की दुकान खोलोगे? हमने खुलेआम ये चुनौती दी है दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार के कागजों में तारीख लिखी है, वो दुकानें लिखी हैं, वो एड्रेस लिखा है जिस दिन उन्होंने लाइसेंस दिया है। लगभग हर रोज एक लाइसेंस शराब का वो दे रहे। क्या यही वो योजना है जिससे पंजाब पे नशे की समस्या पे काबू पाएंगे? अगर वो योजना उनके पास है तो वो दिल्ली में लागू क्यों नहीं करते? अगर कोई सवाल उनसे आप करेंगे तो वो कहेंगे कि जो दिल्ली में नशे की समस्या है उसको दूर करना तो दिल्ली पुलिस का काम है, और दिल्ली पुलिस तो हमारी बात सुनती नहीं, वो तो हमारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल देती है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। साथियों, आप फिल्म देखने जाते हो, आप टीवी देखते हो, दिन में अगर 2 घंटे आप टीवी देखोगे तो कम से कम 50 बार सिगरेट के खिलाफ कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे होता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है सिगरेट से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, और सिगरेट की खपत लगातार कम होती जा रही है। हजारों दुकानें होंगी दिल्ली में सिगरेट की, लेकिन सिगरेट की खपत लगातार कम होती जा रही है। कहां कहां आप सिगरेट पी सकते हैं इसकी जगहें लगातार कम होती जा रही हैं। आप स्कूल में नहीं पी सकते, आप कॉलेज में नहीं पी सकते, आप हॉस्पिटल में नहीं पी सकते, आप ऑफिस में नहीं पी सकते, और सिगरेट की खपत कम होती जा रही है। अगर किसी चीज को रोकना हो तो उसके रोकने के बहुत उपाय हैं। हमने सोचा था अगर पंजाब में नशे पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसी कुछ योजनाएं माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास होंगी, लेकिन जो हर रोज एक लाइसेंस देने का नजारा है और शराब को रोकने पे कितना प्रचार पे खर्च किया,
6 लाख कुछ हजार रुपए, जिसमें ये जो गाड़ियां जा रही हैं, इसमें से ज्यादातर गाड़ियां उतने पैसे में नहीं आती हैं। उतना पैसा पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने खर्च किया, हमारे आरटीआई के जवाब में कहा कि 6,76,000 रुपया खर्च किया। वो भी हमारे साथी यहीं कहीं होंगे मुकेश, वो जब दफ्तर में गए और उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए ये 6,76,000 किसको दिया आपने, कहां विज्ञापन छापे थे, 6 घंटा उनको बिठा के रखा दफ्तर में, उसके बाद कहा कि वो कमरा बंद है, वो आदमी आज यहां नहीं है, वो चाबी नहीं है, वो 6,76,000 कहां खर्च किया ये भी मालूम। तो सरकार की नीयत और मंशा हमारे सामने है, पर जब हम आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, स्थानीय लोग संघर्ष करते हैं, तो सरकार का आकलन अपनी जगह है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के संकल्प सभाओं का, जन सुनवाई का जो प्रस्ताव है, ये चौथी जन सुनवाई है और हर जन सुनवाई के दिन अलग अलग इलाके के लोग आते हैं ये बतलाने के लिए कि उनके यहाँ लड़ाई चल रही है। आज जब हम यहाँ पहुंचे तो रोहिणी के एक साथी यहाँ मौजूद थे पहले से, इसी सवाल को बतलाने के लिए। ये कोई एक इलाके या दो इलाके की लड़ाई नहीं है, दिल्ली के 50 जगहों पर इस किस्म के पेटिशन, आंदोलन, कोर्ट केस चल रहे हैं। स्वराज अभियान इन सब आंदोलनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा और जो प्रस्ताव आपने पास किया है इस प्रस्ताव को आप ही लागू कर सकते हैं। कोई संगठन लागू नहीं कर सकता, पर किसी भी संगठन की आंख में जरा सी भी शर्म हो, किसी भी संगठन में अगर ऐसे लोग रहते हो जो अपनी मां बहनों की इज्जत करते हो, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हों और हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों,